और गाइज आज है मेरे पास काफी सारे कॉइन, वो भी 10 रुपए के। और भाई जो आज का जो आइडिया है वो ये है कि मैं इन कॉइन का क्या करूंगा, 1 किलो तोलूंगा और फिर इनको यार काउंट करके देखेंगे कि 1 किलो कॉइन में कितने काउंटिंग मतलब कितने रुपए बनते हैं। पहले आप ये मुझे बता दीजिए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, मतलब आपके दिमाग में पहले आया था कि अगर 1 किलो कॉइन को तोलेंगे तो उसमें कितने रुपए बैठेंगे? आया ही नहीं होगा यार, क्योंकि ये यूनिक आइडिया तुम्हारा भाई लेकर आया। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन कॉइन का कर लेता हूँ वेट, और हमें यार करना है वेट कितना, 1 किलो। तो यहाँ पर मेरी वेटिंग मशीन है, इसके ऊपर मैं प्लेट भी रख देता हूँ एक, और ये हो गई स्टार्ट। चलिए अब तोल लेते हैं अपने कॉइनों को 1 किलो, ठीक है। और ये देखो ये हो गए हैं 371 ग्राम, वैसे तो कॉइन ज़्यादा हैं 1 किलो से, और हमें बस 1 किलो की ज़रूरत है, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों 99। यार 1 ग्राम का फ़र्क है, अगर मैं एक कॉइन को और डालूंगा तो उसका वेट यार बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक किलो 6 ग्राम बैठ रहा है देखो बढ़ के, तो यार चलो एक ग्राम की तो निभा लेंगे। और वैसे देखो रिफ्लेक्शन ओके, मतलब 1 ग्राम की दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो वैसे पूरा 1 किलो ही मान लो, ठीक है। तो अब बारी है यार इनको काउंट करने की, और देखते हैं यार इसमें कितने रुपए बैठेंगे। ओके चलिए काउंटिंग को शुरू करते हैं। अब इसको रख देते हैं साइड में और काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नीचे। ओके तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 हो गए हैं अभी तो यार, आधे से ज्यादा ही बच रहे हैं कॉइन, ठीक है। इनको भी पूरा गिन लेते हैं फटाफट। 51 52 53 54 55 56 57 58 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 89 100 हो चुके हैं। चलिए आगे भी अभी पूरी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, मतलब 129 कोइन यार बैठे हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गए हैं पूरे पूरे 1290 रुपये, ठीक है। मतलब 1290 रुपये ये पूरे हो चुके हैं, मतलब 1300 के लगभग बैठ रहे हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो 1 किलो कॉइन है हमारे 10 रुपये वाले, उनमें जो रुपए बैठे हैं वो 1290 रुपये बैठे हैं। वैसे इसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो सकता है, यानी कि मतलब 1-2 ग्राम का अगर डिफ्लेक्शन होगा तो अगर टोटल वेट में मतलब 1300 भी बैठ सकते हैं, 1310 रुपये बैठ सकते हैं, मतलब 10-20 रुपये का अंतर आ सकता है। कुछ बात कह नहीं सकते इसमें कि यार ग्राम के ऊपर बात होती है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।